मैं गौतम लहरी साहब के पास आऊंगा। सर, ये तो एकदम मुर्गी और अंडे वाला खेल हो गया है। नहीं, बात तो ये सही है कि राज्य सरकार के तरफ से जो करना चाहिए था वो एक रुपया कम करके एक मैसेज देने का कोशिश किया। हो सकता था कि और थोड़ा बहुत कम करते थे, अच्छा और भी अच्छा मैसेज जाता था। और आज जो वो पदयात्रा कर रहे हैं उसमें मैसेज और भी बढ़िया होता था, ये बात तो सही है। लेकिन बात साथ साथ ये भी है कि बाकी जो राज्य सरकार का जो डिमांड है, जिसको उसको बोलते हैं, लगातार वो बोल रहे हैं कि हमें जिस पैसा का बकाया है केंद्र के ओर से, वो अभी तक नहीं मिला। ये तो उनका इनके ये बहस चल रहा है बहुत दिनों से, ये नया कुछ नहीं है। चुनाव के दौर में ये स्वाभाविक है, इसको और ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है सर, मेरे पास बहुत कम समय है, मैं अभिषेक और रवि से एक बहुत सवाल लूंगा। अभिषेक, आप काफी दिनों से वहीं पर हैं और रवि आप तो खैर बंगाल में ही रिपोर्टिंग करते हैं। अभिषेक, ममता बनर्जी का जो महिलाओं के साथ कनेक्ट था, क्या वो अभी भी है या हाल के दिनों में देखने पर, जैसे वो एक वृद्ध महिला की तस्वीर सामने आई या जिस तरीके से उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनका वो डिस्कनेक्ट होता जा रहा है, क्या ऐसा दिखता है? देखिए, महिलाओं के साथ में ममता बनर्जी का कनेक्ट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई बहुत ही बड़ा उसमें डेंट लग गया है या एकदम से कम हो गया है, अभी भी है। और आप बात कीजिए तो लोग इस बात को महसूस भी करते हैं कि हाँ, वो हमारी दीदी हैं, महिला मुख्यमंत्री हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देनी होगी, इधर पिछले कुछ समय में एक बड़ा अंतर आया है। अब इस आधार पर ज़्यादा चीज़ें तय नहीं होती हैं कि वो महिला हैं, हम महिला हैं तो हम उससे कनेक्ट हो जाएँ। अब इस पर तय हो रही हैं कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है, और ये तब क्लियर कट पोलराइजेशन हो रहा है, अब इस पर तय हो रही है कि आप किधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं कि आप इधर खड़े हैं, इस पर क्लियर हो रही है। अब ये कार्डर की बात आ रही है कि टीएमसी के कार्डर को फायदा मिलता है तो बीजेपी का कार्डर को फायदा नहीं मिलता है। सॉरी, मैं आपको जो महिलाएं वो भी कहती हैं, हमारे सभी मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस शो का वाइंड अप करने से पहले बस एक लाइन। बीजेपी की आज जो सभा हुई, जिस तरीके से मोदी जी ने वो ये समझ लें कि एक तरीके से पार्टी का मैनिफेस्टो जैसा था, ममता दीदी अभी भी अटैक वाले मोड में हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।